कैसे बचेंगे गोकुलधाम वासी इस मुसीबत से। तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक नवरात्रि की नई स्टोरी शुरू हो चुकी है। और आज के प्रोमो में जैसा कि हमने देखा, नवरात्रि का सामान गोकुलधाम वासियों ने जिससे मंगाया था वह अब्दुल के साथ बदतमीजी करता है। उसको तो सबक गोकुलधाम वासी सिखा ही देंगे। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि आ चुकी है और क्या हमें इस नवरात्रि में दया बहन की एंट्री देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों, शो के मेकर ने बोला था कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में दया बेन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि का सही टाइम रहेगा दया बेन की एंट्री करवाने का। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि गरबा क्यून सिर्फ एक ही है, दया बेन। अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो दोस्तों काफी मजा इस नवरात्रि में आएगा। और दोस्तों, अब दिवाली भी आने वाली है। शो के मेकर ने पिछले साल बोला था दिवाली पर कि वह इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में दया बेन की एंट्री करवा देंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो शो के मेकरों को अब गोकुलधाम सोसाइटी में दया बेन की एंट्री करवा देनी चाहिए। और वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस नवरात्रि में हमें दया बेन देखने को मिलेगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।